मैं बार बार सरकार को अवगत करा रहा हूँ, जो सिरमौर जिला की सड़कें हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। और हो ये रहा है कि आज की डेट में सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, और बहुत बुरे हाल है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो सड़कों पे बेहाल है। मुख्यमंत्री जी बार बार दौरा कर रहे हैं, वो अभी पीछे पौंटा भी आए थे, सिलाई भी गए थे, फिर भी सड़कों का सुधार नहीं हो रहा। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि पिछली सरकार के दौरान राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो अधिकतर जो सफ़र है वो सड़कों के द्वारा किया करते थे। अगर वो जाते भी थे किसी चुनाव क्षेत्र में तो एक जगह हेलीकॉप्टर से उतर के बाकी जगह सारी सड़कों पर गाड़ियों से जाते थे। उससे जो सड़कों की दशा है वो सुधरती थी और डिपार्टमेंट भी थोड़ा सजग रहता था। तो इसमें हुआ ये कि यहाँ मुख्यमंत्री जी एक ही चुनाव क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह भी हेलीकॉप्टर में ही जाते हैं, तो सड़कें सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने उनको अवगत भी कराया था कि हमारी सड़कें जो है उनके बेहाल है। साथ ही में इन्होंने एक पिक एंड चूज किया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक हो उस विधानसभा क्षेत्र को किलोमीटर्स भी रिन्यूअल के लिए कम दिए गए और उस विधानसभा क्षेत्र में कट लगाया गया पैसों में। अब देखो मेरे चुनाव क्षेत्र में इस बारी जो बजट दिया गया है उसमें शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में जीरो बजट दिया गया है, एक भी पैसा मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। और बाकी चुनाव क्षेत्र में अगर आप देखें तो वहाँ बजट का प्रावधान किया गया है। तो कल आने वाले कल में माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी हमारे चुनाव क्षेत्र आ रहे हैं और इस बारे में मुझे अवगत नहीं कराया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया, ना मुझे न्योता दिया गया। और जिस सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं बोडली से सीयू सड़क, उस सड़क के लिए हमारी सरकार के दौरान 8.5 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ था और मैंने ही उसका शिलान्यास किया था। आज की डेट में कुछ सड़क बन के तैयार हो गई है पर अभी भी उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे ड्रेन नहीं बनी हुई है, कलवर्ट नहीं है और बीच में कुछ किलोमीटर की टारिंग नहीं हुई है। इस प्रकार की खामियाँ हैं और फिर भी माननीय सांसद जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ना तो उसके लिए बस का कोई प्रावधान किया गया। तो मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ कि ये हमारी जनता से छल किया जा रहा है और मैं इस का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। और आज भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी भी आप जाग जाओ और लोगों के लिए सच्चाई से काम करो ताकि लोग आपका आने वाले